मैंने सुना है कि दूसरी जाति में शादी करने के बाद पितरों के लिए किया गया दान उन्हें नहीं मिलता, क्या ये सच है और क्या इसके दुष्परिणाम हैं दूसरी जाति में शादी करने के? देखिए विक्रम गुर्जर जी, आपका बहुत उत्तम कोटि का प्रश्न है ये। आपने सुना है कि दूसरी जाति में शादी करने के बाद पितरों के लिए किया हुआ दान पुण्य उन्हें नहीं मिलता। देखिए बात ऐसी है, आप यदि दूसरी जात की लड़की से दूसरे जात के लड़के से विवाह कर लेंगे तो आपके जो पितर हैं, जो आपको ऊपर से देख रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे। अरे राम 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 राम, इसने हमारा कुल कलंकित कर दिया, गलत राह पकड़ ली। जो देखिए हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, संविधान में जो लिखा है उसका पालन करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। कोई नहीं करता तो वो दंड का अधिकारी है। उसी तरह जो वेद पुराण जो है, यह भी एक प्रकार का संविधान है, जो इसका पालन करता है उसके पितर तो प्रसन्न होते हैं, और कोई इस मार्ग से इस कानून को तोड़ता है तो वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होता है। तो ये सत्य है कि पितर नाराज हो जाते हैं, अरे राम राम ये तो रास्ता भटक गया, इसके हाथ से अब पानी लेने से कोई फायदा नहीं, तो वो नाराज हो जाते हैं और पानी उनके हाथ से नहीं लेते, उनके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते पितर। शादी दूसरी जात में करने से जो संतान होती है उस संतान को जानते हैं वर्ण शंकर, वर्ण संकरी कहते हैं, ये वर्ण संकरता है, माँ किसी जात की पिता किसी जात का, फिर जो संतान होगी वो वर्ण संकर कहलाएंगे, उन्हें वर्ण संकरता कहते हैं। वो आने वाले वक्त में जब वर्ण संकरता हो जाएगी तो फिर शुद्धता कहाँ रह जाएगी? फिर आप किसी से अपेक्षा करेंगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध है ना? शुद्ध होना जरूरी है। परंपराएं चलती जाएं, ब्राह्मण का ब्राह्मणों से, क्षत्रियों का क्षत्रियों से वैश्यों का, शूद्रों से शूद्रों का, विवाह जो परंपरा बनी उसमें ही चलता रहे तो व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, नहीं तो व्यवस्थाएं फिर बिगड़ जाती हैं। हाँ, एक मैया मेरे पास आई, बिल्कुल सत्य घटना बोल रहा हूं मैं, एक माँ मेरे पास आई, अभी लॉकडाउन लगने के पहले की बात थी, एक माँ मेरे पास आई, लगभग उनकी उम्र 70-75 वर्ष की रही होगी। वो दो बहन है सगी, उन्होंने बताया, 75 साल की माँ थी, उन्होंने बताया, बोले गुरुजी हम लोगों का विवाह दूसरी जात में कर दिया गया था, और उन्होंने कहा हमारी मर्जी से किया गया था, लड़का दूसरी जात का था। परिणाम यह हुआ, बोले हम दोनों बहनों का विवाह दूसरी जात में हुआ, हम दोनों की जिंदगी नरक बन गई। उन्होंने अपना अनुभव बताया और उन्होंने कहा किसी लड़की को किसी दूसरी जात के लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए, अपनी अपनी जात में अपनी समाज में रहकर आप जहां समाज में हैं तो आप प्लस पॉइंट है आपके पास, और यदि समाज से बाहर हो गए तो फिर जीवन में फिर बहुत कष्ट हो सकता है। उन माँ ने मेरे से बताया, बोले हमारी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे बच्चे हुए पर हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो संस्कार थे, वो संस्कार बच्चे को हम चाह कर भी ना दे पाए, उनके पिता ने अपने जात के संस्कार अपने फॉलो कराए, हमारी एक ना सुनी गई, हम सच थे तो भी ना सुनी गई, वो गलत थे तो भी उनकी सुनी गई, क्योंकि हम अलग अलग थे, वो अलग जात के हम अलग जात के, कोई हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता था। बहुत पश्चाताप कर रहे हैं लोग, मैंने हजारों केस देखे हैं, लड़की दूसरी जात की, लड़का दूसरा जात का, ले तो आए जल्दी में शादी तो कर ली, पर बाद में सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं है, कोई
विकल्प नहीं, इसलिए ये सब कृत्य नहीं करना चाहिए। इनका परिणाम बाद में दुखद ही होता है, सुखद हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।